बीसीसीआई ने बुधवार को भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को एक टीवी शो पर महिलाओं पर उनकी टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन टिप्पणी की इतनी आलोचनाओं के बाद बोर्ड खिलाड़ियों के इस तरह के टीवी शो में शिरकत करने पर रोक भी लगा सकती है। कॉफी विद करण टीवी शो पर पांड्या की टिप्पणी की काफी आलोचना हुई, जिन्हें सेक्सिस्ट करार किया गया। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी और कहा कि वह शो के हिसाब से भावनाओं में बह गए थे। वहीं राहुल ने इन आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीसीसीआई का काम देख रही प्रशासकों की समिति सीओए के चेयरमैन विनोद राय ने पीटीआई से कहा, हमने हार्दिक पांड्या और राहुल को उनकी टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है। उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। यह 25 वर्षीय ऑलराउंडर और राहुल दोनों इस सेलिब्रिटी चैट शो में दिखाई दिए, जिसके मेजबान करण जौहर हैं। पांड्या ने ट्विटर पर पोस्ट किया, कॉफी विद करण में अपनी टिप्पणी के लिए मैं हर उस व्यक्ति से माफी मांगना चाहूंगा जिन्हें मैंने किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है। उन्होंने लिखा, ईमानदारी से कहूं तो मैं शो की प्रकृति के साथ भावनाओं में बह गया था। मैं किसी भी तरीके से किसी की भावनाओं को आहत या किसी का अनादर नहीं करना चाहता था। आप किस पर कह रहा है कमेंट में जरूर बता रहा। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।